पेश है लंच टाइम बुलेटिन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं, पीएम 2.5 का स्तर पहुंचा 500 के पार। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही छाई हुई है स्मॉग की मोटी परत। हरियाणा में सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें, दिल्ली एनसीआर में और बिगड़ेंगे हालात, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की दी गई सलाह। 3 दिवसीय बैंकॉक दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर रहेंगी दुनिया की निगाहें। आसियान, भारत, पूर्व एशिया और RCEP शिखर सम्मेलनों में भी लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी और शिवसेना में मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी, कहा शिवसेना के साथ बनाएं सरकार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच फडणवीस के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पर भड़की शिवसेना, कहा राष्ट्रपति शासन की धमकी जनादेश का अपमान। सुधीर ने दी थी राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी। आज सुबह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में आई तकनीकी खराबी, आधे घंटे देरी से चल रही है ट्रेन। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 जाने वाली मेट्रो पर यात्रियों को हो रही हैं खासी दिक्कतें। यूपी में चालक और उसके पीछे बैठे शख्स दोनों के लिए जरूरी होगा हेलमेट, नियम का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान, 3 बार चालान कटने पर वाहन होगा सीज। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कश्मीर के हालात पर जताई चिंता, बोली कश्मीर के हालात स्थिर नहीं, पीएम मोदी से करूंगी बात। 3 दिवसीय भारत दौरे पर है एंजेला। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का 54वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर लगी भारी भीड़, एक्टर को देख बेकाबू हुए फैंस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पाकिस्तान में मौलाना के आजादी मार्च में एकजुट हुआ विपक्ष, संकट में इमरान खान सरकार, इमरान को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।